today to welcome our deluxe ceremony. This is the feta of old Maharashtrian tradition. Always there is some. जी, मेरा नाम अनूप शुक्ला है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर हूं और वेबसाइट पर सर्च कर रहा था तो मुझे ये यूनिक मोटर मुझे दिखा, तो उसके आधार मैं यहाँ मिलने आया। तो मेरी बातचीत हुई, सारी चीज़ों से मैं सेटिस्फाइड हुआ, फिर मैंने गाड़ी फाइनल कर। क्या ऐसा लगा आपने यहाँ से गाड़ी लिया? ट्रांसपेरेंसी, मुझे लगा कि शायद ट्रांसपेरेंसी और रेट्स भी मुझे अच्छे मिले, तो दो चीज़ें देखते हैं। और नई गाड़ी में तो कोई ऐसी कोई किसी तरह की कोई गुंजाइश तो होती नहीं, नई गाड़ी होती है। मेन चीज़ है कि डीलर का व्यवहार और डीलर की ट्रांसपेरेंसी, वो चीज़ मुझे दिखी। आपने कौन सा, डीजल लिया पेट्रोल लिया? डीजल लिया सर। तो सर आजकल तो अभी इलेक्ट्रिक का ज़माना है, आपने इलेक्ट्रिक नहीं लिया? नहीं, वो डीजल मेरे ख्याल से जो हमारा जो ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक भी जिनकी जिस तरह की ज़रूरत होती है, जो हमारी ज़रूरत है, उसलिए उसके वजह से हमें डीजल ही लेना था। आप सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल। Thank you.
मोटर से आपने नया महिंद्रा का डीलरशिप चालू किया है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? सर देखिए, हम लोग, हम टीम यूनिक मोटर्स अभी जो महिंद्रा का डीलरशिप लेके, जितना भी हमारे रिक्शा वाले भाई, ठीक है, जो आज दूसरी महंगे ईंधन में जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो महिंद्रा कंपनी साथ साथ में हम यूनिक मोटर्स, हम ये चाहते हैं कि जो आने वाला भविष्य है वो इलेक्ट्रिक का है, और हम ये चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे गुड्स कैरिंग हो गया या पैसेंजर कैरिंग हो गया, इसके लिए इलेक्ट्रिक एक अच्छा विकल्प है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ के उनको ये समझाना चाहते हैं कि आप आने वाला फ्यूचर जो है, जिससे पोल्यूशन कम हो, जैसे आज पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये सारा फ्यूचर सोच के ही महिंद्रा ने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, और हम बहुत खुश हैं, हमारी टीम यूनिक मोटर्स बहुत खुश है कि हमने ये एजेंसी। कस्टमर को आपको ढूंढना पड़ रहेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कस्टमर को? हम देखिए, अभी कस्टमर्स भी आज बहुत होशियार है, वो समझ चुके हैं कि उनका फ़ायदा किस चीज़ में है, जो जो ईंधन की आज रेट्स है, तो उसमें उनको भी समझ है कि विकल्प, हाँ, विकल्प जो है वो इलेक्ट्रिक ही बहुत अच्छा पड़ेगा, और बहुत आसानी से हमारी जो अभी ये गाड़ियाँ हैं महिंद्रा की, वो बहुत आसानी से कहीं भी चार्ज भी कर सकते हैं। हम लोग और भी काम कर रहे हैं कि चार्जिंग सेशंस और बढ़ाने के ऊपर भी हम लोगों का बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या शुभकामना देना चाहेंगे? शुभकामनाएं मैं ये देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि एक बार और खुला था, मैं गया था आपके थ्रू वेस्ट में, क्योंकि क्या है कि लोग को ज़मीन से मिल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि हवा में ये चलेगा नहीं। बिल्कुल, तो इसलिए क्या है भाई साहब के विषय में अपने को अनुभव हुआ, बातचीत हुई, आप लोग तो जो जूने हैं, जूने जो मिले हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको मार्गदर्शक अच्छा मिलेगा। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है रिक्शा वालों से कि चूँकि आज के डेट में CNG आए दिन महंगी होती जा रही है, और आज अपने को 10 रुपया इसमें मेंटेनेंस जीरो है, क्योंकि 10 रुपया कैसा बचाना है आज सबको मालूम है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक जो रिक्शा है उसमें लोग इंटरेस्ट ले डाले, और सही लोग, क्योंकि क्या है लेने के बाद क्या है उसको जिम्मेदारी से नहीं करोगे तो वो भी डूबेंगे, और एजेंसी जो लोन किया रहेगा वो भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा। मेरा एक ही चीज़ है, साफ़ सुथरे लोग हैं, जिसकी फाइल अच्छी है, जिसका है धंधा करने का है, खाली ले के टाइम पास करना है उसके लिए नहीं है। मेरा एक ही चीज़ है कि सब लोग यूनिक शोरूम से जुड़ के और उसके बाद रिक्शा ले, और हमारी यूनियन के तरफ से, मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन के तरफ से भी जो लोग हैं, हम लोग ये सुझाव देंगे ऑफिस में, अपन अभी शाम को मेरा एक कार्यक्रम है, 400-500 रिक्शा वाले आएंगे मेरे ऑफिस में, दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम है ऑफिस में मेरे कार्यालय में, मैं भी उन लोग को बोलूँगा कि आप संपर्क करिए, जाइए, और वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो जो कुछ 19-20 होता है तो यूनियन साइड में उनको समझाने के लिए बैठी मैं दो सब करके। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे।